राइट गाइस, सो लेट अस स्टार्ट ऑन विद अ न्यू टॉपिक टुडे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। अभी देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो ऐसे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, बट देर आर टाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो थंब रूल का तरीका हम लोग बोलते हैं, मतलब एक जुगाड़ मेथड आपको बता देते हैं किस तरह से कहां पे पोस्टिंग होनी है, और उस मेथड के हेल्प से, उस जुगाड़ के हेल्प से हमारा आराम से काम निकल जाता है। यहां पे क्या कुछ नया सीखने वाले हैं? देखो, दिस इज अ डिफरेंट मेथड इन विच वी डू अकाउंटिंग, राइट। यहां पे नया तो कुछ नहीं है, हमें जो ऑलरेडी आता है उसका कुछ अलग तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। और देखो, हम तो हम है, और अगर हम है तो क्या गम है, राइट। तो हम तो यहाँ पे जो सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। जुगाड़ तो ऑटोमेटिकली मैं बताऊंगा ही, बिकॉज हमें पता है कि आप में से कुछ लोग मानेंगे ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, बट सर एग्जाम में अगर ये जुगाड़ याद रह जाए ना तो और इजी पड़ जाता है। अग्री विथ यू, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो जुगाड़ अगर हम भूल भी जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट हमें सही दिशा पे जरूर लेकर जाएगा, बट अगर जुगाड़ आता होगा तो हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती है और क्विकली हम इस सम को कर पाते हैं। अभी देखो क्या होते हैं ना, ये जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, दिस इज रेलेवेंट व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन फिजिकल फॉर्म। आज जब हम बात करते हैं ना, मजॉरिटी बिजनेसेस, राइट, मजॉरिटी बिजनेसेस किसी न किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी अकाउंटिंग करते हैं। बट इन दी ओल्डन टाइम्स जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते थे और फिजिकल बुक्स में अकाउंटिंग होती थी, उस समय के लिए ये पर्टिकुलर चीज रेलेवेंट है। तो क्या ये आउटडेट हो चुका है? एक तरीके से बोले तो आउटडेट नहीं बोलना चाहूंगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी चेंज हो गई है। अभी जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर में जाओगे या एडवांस अकाउंटिंग में जाओगे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो लोग भी कंट्रोल अकाउंट का सिस्टम मेंटेन करते हैं, और यहां पे भी एक तरीके से कंट्रोल अकाउंट का सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक को अभी हम समझेंगे तो आपको लॉजिकली पता चलेगा कि भाई ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम और ये सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी या क्या यूजफुलनेस है, और इसमें अकाउंटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, हमें कौन सा मेथड या कौन सा अकाउंटिंग का तरीका चूज करना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से है। तो अगर एक छोटा बिजनेस है जहां पे देयर इज अ लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और बहुत ज्यादा डेटर्स या बहुत ज्यादा क्रेडिटर्स की पार्टीज नहीं है, तो हम एक सिंपल एक पर्टिकुलर लेजर बुक खरीदेंगे और उस लेजर बुक में जितने ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे सारे का अकाउंट्स ओपन कर लेंगे और उस लेजर बुक में हम वेरियस अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे। पर जैसे ही बिजनेस का वॉल्यूम ग्रो होता है, राइट, इफ देर आर हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस और हमारी बहुत सारे डेटर्स और हमारे बहुत सारे क्रेडिटर्स है ना, तब एक बुक में, एक जनरल लेजर में सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने से एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाती है। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना तो मल्टीपल लोग हमें लगेंगे, राइट, अलग अलग आदमी अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करेगा, एंड अगर एक पर्टिकुलर खाते में, एक पर्टिकुलर बुक में अगर हम सारे अकाउंट्स अगर मेंटेन करने लगेंगे तो क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस, बहुत ज्यादा क्लमजी आउटकम निकलेगा। उस वजह से व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर हाई एंड हमारे बहुत सारे क्रेडिटर्स और हमारे बहुत सारे अगर डेटर्स होते हैं, तो हम क्या प्रेफर करते हैं ना कि डेटर्स के लिए एक अलग खाता बना दे, क्रेडिटर्स के लिए एक अलग खाता बना दे, और बाकी जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसको हम एक खाते में रिकॉर्ड करें, विच इज नॉर्मली नोन एज द जनरल लेजर। तो देखो, हमने क्या बोला, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज लो, राइट, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज लो एंड देर आर नॉट मेनी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इन वन लेजर बुक। देखो, जब हम लेजर बोलते हैं ना, हम ये टी शेप अकाउंट की बात नहीं करते। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट लेजर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक, एक खाते की बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट अ बुक
जहां पे हम वेरियस अकाउंट्स को ओपन करेंगे और जहां पे हम उनकी जो रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस है उसकी पोस्टिंग करेंगे. सो एक ही लेजर बुक हम मेंटेन करेंगे जिसको हम बोलेंगे जनरल लेजर. बट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हाई एंड देर आर न्यूमरस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इट इज मोर एफिशिएंट टू मेंटेन अकाउंट्स of individual debtors and creditors in a separate ledger book, right? हम एक separate ledger book बनाएंगे debtors के लिए, एक separate ledger book बनाएंगे creditors के लिए, और बाकी सारे accounts हम एक common book में record करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे general ledger. तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ledger books हो जाएंगे? एक हमारे पास होगा general ledger, जहां पे ऑल अकाउंट्स अदर देन इंडिविजुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड. एक हम मेंटेन करेंगे डेटर्स लेजर, जहां पे इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट मेंटेन होंगे, मतलब यहां राम, श्याम, विनोद, सुनील, जितने भी हमारे डेटर्स हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स हम इस अलग खाते में, अलग बुक में, जिसको हम डेटर्स लेजर बोलते हैं, वहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे. एंड देन We will have creditors ledger which will contain all individual creditors. तो देखो हमारा books of accounts जो होगा, एक तो journal होगा ही, journal subsidiary books तो होगी, but जब ledger, जब हम posting की बात कर रहे हैं accounts में, तब तीन तरह के books हम maintain करेंगे. एक general ledger जहां पे सारे accounts maintain होंगे except the accounts relating to the individual debtors and the individual creditors. तो भाई debtors और creditors जो हमारे हैं उनके पर्सनल अकाउंट्स हम कहां पे मेंटेन करेंगे? बोला कि जो डेटर्स हमारे हैं, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है, उनके अकाउंट हमें मेंटेन करने हैं डेटर्स लेजर में, एक अलग खाता मेंटेन करेंगे. और जो हमारे सप्लायर्स है, जो हमें उधार में गुड्स बेचते हैं, उनके जो पर्सनल अकाउंट्स है वो हम मेंटेन करेंगे क्रेडिटर्स लेजर में. तो देखो इस सिस्टम में जब भी हम एक ट्रायल बैलेंस बनाने जाएंगे ना, तब सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस हमें मिलेगा जनरल लेजर से, एक्सेप्ट जो डेटर्स है उसका बैलेंस हमें मिलेगा डेटर्स लेजर से, और जो क्रेडिटर्स है उनका बैलेंस हमें मिलेगा क्रेडिटर्स लेजर से. तो यहां पे ट्रायल बैलेंस जो होगा उसमें तीन सोर्सेस से अमाउंट आएंगे. एक जनरल लेजर से अमाउंट आएंगे, दूसरा डेटर्स से डेटर का बैलेंस आएगा, तीसरा क्रेडिटर्स लेजर से क्रेडिटर्स का बैलेंस आएगा. राइट? सो अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग बैलेंसेस फ्रॉम ऑल द थ्री लेजर बुक्स, विच इज जनरल लेजर, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर. इफ वी ट्राई टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम एनी वन लेजर बुक, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टेल यू. ऑब्वियसली बात है ना, अगर हम जनरल लेजर से सारे अकाउंट्स ले लेंगे, मेजोरिटी अकाउंट्स तो कवर अप हो जाएंगे, बट डेटर और क्रेडिटर्स का बैलेंस वहां पे हमें नहीं मिलेगा. सिमिलरली अगर खाली डेटर्स बुक से, डेटर्स लेजर से अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बनी नहीं सकता, बिकॉज डेटर का ही बैलेंस मिलेगा. सिमिलरली अगर क्रेडिटर लेजर से हम बैलेंस एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाए, तो खाली क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल हमें वहां से मिलेगा, खाली क्रेडिटर्स की डिटेल्स मिलेगी, बाकी कोई डिटेल्स मिलेगी नहीं. अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं. देखो अभी तक हमने एक बैकग्राउंड बनाया कि नॉर्मली जब हम अकाउंटिंग करते हैं किस तरह से, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है और हमारी कितने डेटर्स और हमारे कितने क्रेडिटर्स है. इफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज लो एंड देयर आर नॉट टू मेनी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एक ही लेजर बुक में हम सारे अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सभी एक ही बुक में मेंटेन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल लेजर. पर अगर हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हाई है और हमारी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको उधार में हम गुड्स बेचते, मतलब वी हैव लॉट ऑफ डेटर्स, और बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे हैं जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं, मतलब दे लॉट ऑफ क्रेडिटर्स, तब इट मेक्स मोर सेंस कि हम तीन अलग अलग लेजर बुक्स मेंटेन करें. एक जनरल लेजर जिसमें सारे अकाउंट्स क्रिएट किए जाए एक्सेप्ट द अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डेटर्स एंड द अकाउंट फॉर इंडिविजुअल क्रेडिटर्स. अभी ये जो इंडिविजुअल डेटर्स और इंडिविजुअल क्रेडिटर्स है,
इनका हम रिकॉर्ड कहां पे, इनका अकाउंट कहां पे मेंटेन करेंगे, इंडिविजुअल डेटर्स के लिए हम डेटर लेजर बुक क्रिएट करेंगे और इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के लिए हम क्रेडिटर्स लेजर बुक करेंगे और क्रिएट करेंगे जहां पे इनकी अकाउंटिंग हम करेंगे। इस सिनेरियो में ये बात याद रखनी जरूरी है कि जब ट्रायल बैलेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे तब हमें इन तीनों बुक से बैलेंसेज मिलेंगे, तब जाके हमारे ट्रायल बैलेंस टैली होगी। अब हम बात करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। देखो सेल्फ बैलेंस मतलब क्या, अपने आप बैलेंस कर ले, राइट। सेल्फ बैलेंसिंग मतलब क्या, अपने आप बैलेंस कर ले। यहां पे किस चीज को बैलेंस करने की बात हो रही है हम आगे जाके देखेंगे। अभी ये जो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है ना, ये किस तरह का सिस्टम है, ये सेकेंड टाइप है जिस जो हमने डिस्कस किया, मतलब द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आर हाई एंड देर आर लॉट ऑफ डेटर्स एंड देर आर लॉट ऑफ क्रेडिटर्स, उस सिनेरियो में हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम मेंटेन करेंगे। मतलब सर हम समझ गए, अगर छोटा बिजनेस होता तो एक जनरल लेजर से बात चल जाती। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हाई होता है और बहुत सारे डेटर्स और बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं ना सर, तो हमें यहाँ पे तीन लेजर बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। एक जनरल लेजर जहां पे हम सारे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल डेटर्स एंड इंडिविजुअल क्रेडिटर्स, और हम एक डेटर लेजर मेंटेन करेंगे जहां पे सारे इंडिविजुअल डेटर्स के पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेंगे, और एक क्रेडिटर लेजर मेंटेन करेंगे जहां पे इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, तुम सही राह पे चल रहे हो। सो यहां पे दिस सिस्टम इज फॉलोड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हाई एंड देयर आर न्यूमरस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट। सो अंडर दिस सिस्टम वी प्रिपेयर सेपरेट लेजर बुक्स, फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। द लेजर बुक का जनरल लेजर, डेटर लेजर एंड क्रेडिटर लेजर। तो सर यहाँ पे आपने नया क्या बताया, आपने तो सेम ही बात बोली कि जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हाई हो और बहुत सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स अगर हमारे पास है तो हमें ये तीन बुक्स मेंटेन करनी चाहिए। सो हाउ इज इट डिफरेंट, अभी मैं बताता हूँ कि भाई ये डिफरेंट किस तरह से, वो आता था ना कि मैगी टमाटो कैचअप, इट्स डिफरेंट, तो अभी ये किस तरह से डिफरेंट है ये पता चलेगा। देखो इस सिस्टम में, ये मैजिकल सिस्टम है ना, अभी बताता हूं ये सिस्टम में क्या है। हाउएवर अंडर दिस सिस्टम वी मेंटेन लेजर्स आर मेंटेन, हाउएवर अंडर दिस सिस्टम दीज लेजर्स आर मेंटेन इन सच अ वे दैट अ टैलिड ट्रायल बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज लेजर बुक्स। मतलब किसी भी लेजर बुक से अगर तुम ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच करेगा। अरे सर ये तो मैजिकल बात बोल रहे हो, अगर जनरल लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पे डेटर और क्रेडिटर के तो बैलेंस है ही नहीं, तो कैसे ट्रायल बैलेंस आपका मैच करेगा। और सर आप बोल रहे हो डेटर्स लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओ, डेबिट क्रेडिट मैच करेगा। सर डेटर लेजर में तो सारे कस्टमर के बैलेंसेज है, डेबिट बैलेंसेज होंगे, क्रेडिट किस तरह से आप मैच करोगे। सिमिलरली अगर क्रेडिटर लेजर से ट्रायल बैलेंस बना जाओगे तो वहां पे तो आपका क्रेडिटर्स का टोटल बैलेंस मिलेगा, क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगा, डेटर किस तरह से आप मैनेज करोगे। तो यही तो खासियत है इस सिस्टम की कि भाई हम उस तरह से लेजर मेंटेन करेंगे, उस तरह से अकाउंट्स बनाएंगे कि किसी भी बुक से अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हो वो ट्रायल बैलेंस मैच होगा। मतलब नॉर्मल सिस्टम और सेल्फ बैलेंसिंग में क्या फर्क है, अगर आप जनरल लेजर से नॉर्मल सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाओगे क्या मैच होगा, सर नहीं होगा, डेटर क्रेडिटर के बैलेंस नहीं है। डेटर से बनाओगे मैच होगा, नहीं सर वहां पे तो खाली डेटर का बैलेंस है। क्रेडिटर से बनाओगे मैच होगा, नहीं सर वहां पे तो खाली क्रेडिटर्स का बैलेंस है। मैच किस तरह से होगा, पर अगर हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो करेंगे तो आइदर आप जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस क्रिएट करो, आप डेटर लेजर से ट्रायल बैलेंस क्रिएट करो, या आप क्रेडिटर्स लेजर से ट्रायल बैलेंस क्रिएट करो, ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच करेगा। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे तो अब हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। Right, so why do we call it self-balancing system? Because each ledger has a characteristics
that if we prepare a trial balance, extracting balances of various accounts from that ledger, the trial balance will tally. तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना भाई हमारा, इसमें मैं एक बार इम्पोर्टेंट लिखता हूं, बिकॉज ये जो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है उसका सारा क्रक्स इन लाइंस में छुपा हुआ है. हाउएवर ईच ऑफ दीज लेजर्स आर मेंटेन्ड इन सच अ वे दैट अ टैलिड ट्रायल बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज लेजर्स. मतलब जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बना लिया भाई, टैली हो गया दोनों साइड. डेटर्स लेजर से ट्रायल बैलेंस बना लिया भाई, टैली हो गया दोनों साइड. क्रेडिटर्स लेजर से ट्रायल बैलेंस बना लिया भाई, टैली हो गया दोनों साइड. एज सेपरेट ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज लेजर्स, देयरफॉर दिस सिस्टम इज नोन एज सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम. राइट, अभी किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन हम यहां पे करेंगे कि ट्रायल बैलेंस हर एक लेजर बुक से मैच होगा, दैट वी विल सी. एक बार एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूं कि भाई हमने बोला ना सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर एक जनरल लेजर होगा, एक डेटर्स लेजर होगा और एक क्रेडिटर्स लेजर होगा. अब हम देखेंगे कि ये डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड जनरल लेजर किस तरह से मेंटेन होगा, दैट ईच ऑफ दिस बुक इज सेल्फ सफिशियंट, इज सेल्फ बैलेंसिंग. तो देखो जनरल लेजर में हम क्या करेंगे ना, जनरल लेजर विल कंटेन ऑल अकाउंट. जनरल लेजर विल कंटेन ऑल अकाउंट्स अदर देन ऑफ इंडिविजुअल डेटर्स एंड ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिटर्स. सर ये पता है? हाँ पता है, मैं जानता हूं ये पता है. अभी आगे सुनो, अभी जो मैं बताऊंगा ना वो पता नहीं है, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ आवर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम. साथ ही साथ जनरल लेजर में हम एक टोटल डेटर अकाउंट मेंटेन करेंगे और जनरल लेजर में टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे. तो बात समझो, जब हम जनरल लेजर की बात करते थे ना कि जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ऑल द अकाउंट्स आर देयर, मिसिंग क्या था, डेटर का टोटल बैलेंस और क्रेडिटर का टोटल बैलेंस. तो लो जी यहां पे हमने जनरल लेजर में इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स नहीं बनाए, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट्स नहीं बनाए, बट एक टोटल डेटर बना लिया और एक टोटल क्रेडिटर का अकाउंट बना लिया. तो जो मिसिंग बैलेंसेस थे ना डेटर के और क्रेडिटर के, वो टोटल बैलेंसेस यहां पे हमें मिल गए. इन अकाउंट्स का नाम क्या रखा है हमने, हम इनको बोलते हैं डेटर्स और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां पे डेटर्स का टोटल बैलेंस आएगा. सेकंड, क्रेडिटर्स और बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां पे टोटल क्रेडिटर्स का अकाउंट आएगा. तो देखो नाउ यू पीपल कैन विजुअलाइज के सर जनरल लेजर से तो अगर ट्रायल बैलेंस बनती है, सारा मसाला यहां पे मौजूद है, तो यहां पे हमारी ट्रायल बैलेंस टैली करेगी. सिमिलरली अब डेटर्स लेजर या सेल्स लेजर की बात करेंगे. देखो एग्जाम में दे कैन कॉल इट एज अ डेटर्स लेजर, दे कैन ऑल्सो कॉल इट सेल्स लेजर, चीज एक ही है. ये एक खाता है, ये एक बुक है जहां पे इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं. इसमें हम क्या मेंटेन करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ ऑल डेटर्स. सर ये पता है, डेटर्स लेजर है तो इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ ऑल डेटर्स यहां पे मेंटेन होंगे. तो ऑब्वियसली इसका बैलेंस क्या होगा भाई, ऑब्वियसली सर डेटर्स है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा इन सारे अकाउंट्स का, ठीक है. इसके साथ साथ प्लस वी विल मेंटेन अ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. क्या मेंटेन करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. राइट, दिस इज अ कॉन्ट्रा लेजर फॉर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. मतलब डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये वाला जो है ना, ये क्या है, टोटल डेटर्स, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट. ये इसका क्या है, कॉन्ट्रा लेजर है. राइट, इट्स अ कॉन्ट्रा लेजर. मतलब डेटर लेजर में आप जो डेबिट में डालोगे, जनरल लेजर में वो सारी चीज क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी. डेटर्स लेजर में जो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा वो यहां पे जो जनरल लेजर है वहां पे डेबिट में रिकॉर्ड होगा. सो बेसिकली इसका जो बैलेंस बनेगा ना, ये क्रेडिट बैलेंस बनेगा. अभी सारे अकाउंट्स, जर्नल एंट्री सब कुछ देखेंगे हम, बट यहां पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में लेजर्स के अंदर क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन होंगे.
तो अभी बात समझो ध्यान से, प्यारे लाल खो मत जाना, राइट, बिकॉज थोड़ा सा अलग हटके यहां पे अकाउंटिंग हो रही है, तो हमें फोकस मेंटेन करना है, राइट, वी नीड टू फोकस. तो यहां पे डेटर्स लेजर में इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स ओपन हो गए, तो ये जो इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स है इसका डेबिट बैलेंस बनेगा. सो ट्रायल बैलेंस बनाया, इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स आ गए, डेबिट साइड में अमाउंट आया. इसी का टोटल कॉन्ट्रा अकाउंट हमने डेटर्स लेजर में बना दिया, राइट, विच इज नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. जितना डेबिट बैलेंस टोटल होगा इंडिविजुअल डेटर का, उतना ही क्रेडिट बैलेंस टोटल होगा आपके जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का, देयरफॉर द ट्रायल बैलेंस विल टैली. सर ऐसा करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द यूटिलिटी, वी विल टॉक अबाउट द यूटिलिटी एज वी गो अहेड. पहले एक बार इस सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं. मैं इलस्ट्रेशंस लेकर आपको बताऊंगा सो दैट नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम और हमारा सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में क्या फर्क है वो आपको पता चले. दिस इज बिल्डिंग द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. अभी अगर लेट्स से शॉर्टकट से पढ़ाना होता ना यार, तो मैं सीधा बताता कि भाई यहाँ पे जनरल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर मेंटेन होता है. जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट बनाना, डेटर के अंदर जनरल लेजर और क्रेडिटर लेजर एडजस्ट, डेटर लेजर में जनरल लेजर बनेगा, क्रेडिटर में भी जनरल, बट वो सब शॉर्टकट की यार हमें जरूरत नहीं है. हम आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि ये पढ़ाई करके खत्म है. इन पढ़ाई को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, राइट. और उस लेवल पर मेरे साथ क्लासेस करने का जो मैं सबसे बड़ा एडवांटेज, आई एम सेल्फ क्लेमिंग इट एडवांटेज, मैं मानता हूं, वो ये है कि सिंस आई एम एसोसिएटेड विद अ प्रैक्टिकल बैकग्राउंड, तो आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं हर एक चीज का, कि आप इनडेप्थ समझ सको, राइट. अगर आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सही है ना, इट विल ऑलवेज लीड यू टू द राइट डिरेक्शन. अभी क्रेडिटर लेजर की बात करें तो सर क्रेडिटर लेजर में क्या होगा, सिंपल है, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ ऑल क्रेडिटर्स विल बी मेंटेन. साथ ही साथ अभी देखो इसका भी लॉजिकली क्रेडिटर का बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट रहेगा. इसके साथ हम और एक अकाउंट यहां पे ओपन करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, विच इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट. जो यहां पे हम क्रेडिटर लेजर या टोटल क्रेडिटर अकाउंट जनरल लेजर में ओपन कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रा है. कॉन्ट्रा मतलब कि अगर डेटर का बैलेंस डेबिट होता है तो जनरल लेजर का बैलेंस क्रेडिट रहेगा, क्रेडिटर का बैलेंस अगर क्रेडिट होता है तो डेटर, तो जो जनरल लेजर है क्रेडिटर वाला, उसका बैलेंस डेबिट रहेगा. तो जितने का क्रेडिटर यहां पे आएगा उतने का ही डेबिट बैलेंस यहां पे क्रिएट हो जाएगा, एंड देयर बाय द ट्रायल बैलेंस विल टैली. अभी ये जनरल पर्सपेक्टिव दिया है, अभी नंबर्स के साथ अगर हम बात करेंगे ना तो क्लियरली समझ में आएगा. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, एक बार रिकैप करें, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम कब फॉलो करेंगे, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज हाई, देर आर न्यूमरस डेटर्स एंड देर आर न्यूमरस क्रेडिटर्स, एंड देयरफॉर वी विल मेंटेन थ्री लेजर बुक. एक लेजर बुक जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल लेजर, वहां पे दुनिया भर के जितने भी अकाउंट्स हमारे यहाँ है सारे मेंटेन होंगे, अपार्ट फ्रॉम अदर देन क्या, इंडिविजुअल डेटर्स एंड इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट. यहाँ पे जो डेटर लेजर बनाएंगे उसमें इंडिविजुअल डेटर के अकाउंट मेंटेन होंगे, जो क्रेडिटर्स लेजर बनाएंगे उसमें इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट्स मेंटेन होंगे. अभी इस सिस्टम की खासियत क्या है, खासियत यह है कि आप किसी भी लेजर बुक को उठा लो और उसको उठा के उस बुक से अगर आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो वो ट्रायल बैलेंस आपको कंप्लीटली टैलिड मिलेगी. जनरल लेजर से बनाओ, डेटर लेजर से बनाओ और क्रेडिटर लेजर से बनाओ, यू विल गेट अ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल वाला ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ऑल दीज लेजर बुक्स. अभी इसका रीजन क्या है, किस तरह से अकाउंट्स ओपन करते हैं, जनरल लेजर में सारे अकाउंट्स ओपन होंगे अदर देन इंडिविजुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बट हम डेटर का टोटल और क्रेडिटर का टोटल अकाउंट यहां पे ओपन कर लेंगे तो जो मिसिंग बैलेंस थे वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे एंड आवर जनरल लेजर विल बिकम सेल्फ बैलेंसिंग. सिमिलरली डेटर लेजर में हम इंडिविजुअल डेटर के तो अकाउंट ओपन करेंगे ही जिनका टोटल डेबिट बैलेंस आएगा, साथ ही साथ हम एक डेटर का कॉन्ट्रा अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका क्रेडिट बैलेंस आएगा एंड डेबिट क्रेडिट विल मैच. सिमिलरली
क्रेडिटर लेजर में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल क्रेडिटर का तो अकाउंट ओपन करेंगे, बट एक क्रेडिट का कॉन्ट्रा अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका बैलेंस डेबिट रहेगा और इस क्रेडिटर लेजर से भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। अभी सवाल उठता है कि सर इतना माथापच्ची क्यों करना, व्हाई डू यू वांट टू टेक सो मच ऑफ हैसल्स। देखो ये है ना, सिस्टम है फॉर कंट्रोल पर्पस। अभी ध्यान से सुनना है इसकी यूटिलिटी। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम है कंट्रोल पर्पस के लिए। क्या कंट्रोल पर्पस, हमारे समझ लो 5000 डेटर्स है, 3000 क्रेडिटर्स है, मैनुअली हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। जब साल के अंत में ट्रायल बैलेंस बनाने जाते हैं, 5000 में से समझो 3 डेटर को हमने पिक करना भूल गए, बैलेंस लिखना भूल गए, हमारी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगी, राइट। ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगी और इतने बड़े यूनिवर्स में ये जो मिसमैच है, ये डेटर से आ रहा है कि क्रेडिटर से आ रहा है कि किसी दूसरे अकाउंट से आ रहा है, पता नहीं चलेगा। और बहुत सारे डेटर्स, बहुत सारे क्रेडिटर्स को चेक करने में इट विल टेक हेल लॉट ऑफ अ टाइम एंड टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक बिकम्स एन ह्यूमंगस टास्क। पर अगर मैंने डेटर लेजर के अंदर इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट के साथ साथ एक कंट्रोल कॉन्ट्रा अकाउंट मेंटेन कर लिया है, जिस लेजर में मैं हर महीने के डेटर का टोटल पोस्ट करता रहता हूं, तो क्या होगा ना, इंडिविजुअल डेटर्स का जितना डेबिट आएगा ना, उतना ही इस कंट्रोल कॉन्ट्रा अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर गलती मिलेगी ना, समझो इंडिविजुअल डेटर्स का टोटल और ये कॉन्ट्रा लेजर का टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई डेटर्स की छानबीन करनी है, डेटर्स की छानबीन करने से मेरे को जो एरर है वो मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ आई ट्राइंग टू लुक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस के भाई यहां पे एरर कहां पे छुपा हुआ है। सिमिलरली क्रेडिटर्स में हम इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का अकाउंट मेंटेन करेंगे, या इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का जो मंथली टोटल होगा ना, वो ये जनरल लेजर अकाउंट में जाएगा, कॉन्ट्रा अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड। तो जितने का टोटल इंडिविजुअल का डेबिट होगा, उतने का ही कॉन्ट्रा का टोटल क्रेडिट होगा। अगर इसमें मिसमैच है तो ये क्या डिपिक्ट करेगा कि भाई किसी क्रेडिटर के अकाउंट को लेने में गलती हुई है और हमें यहां पे छानबीन करनी है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दिस इज अ वेरी गुड कंट्रोल मैकेनिज्म, जहां पे जब हमारे पास बहुत सारे डेटर्स और बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो हम एक कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट एरर्स, राइटली कहां पे एरर हुआ है वो हमें पता चल जाए। हम क्या करेंगे ना, एक इलस्ट्रेशन लेंगे, ये ध्यान से, राइट, ये एकदम ध्यान से आपको इलस्ट्रेशन समझना है कि भाई नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम जहां पे जनरल लेजर, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर मेंटेन होता है, वहां पे किस तरह से काम होता है और वहां पे ट्रायल बैलेंस क्यों मिसमैच, क्यों मैच नहीं होगी रादर व्हेन आई टेक बैलेंसेस फ्रॉम इंडिविजुअल बुक्स। एंड सेकेंड हम देखेंगे कि अगर हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग किस तरह से होगी, और साथ ही साथ हर लेजर बुक से किस तरह से हमें टैलिड ट्रायल बैलेंस मिलेगी। मेरे साथ साथ प्लीज आप लोग लिखेंगे इस इलस्ट्रेशन को, साथ साथ मेरे करेंगे, सो दैट आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीजें होती है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस, सेल्फ बैलेंसिंग नहीं, जहां पे हम कौन कौन से लेजर बुक्स मेंटेन करते हैं, एक जनरल लेजर मेंटेन करते हैं, दूसरा डेटर्स लेजर मेंटेन करते हैं, तीसरा क्रेडिटर्स लेजर मेंटेन करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं कि अकाउंटिंग किस तरह से होगी। सो लेट्स राइट एन एग्जांपल, समझ लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मिस्टर ए को हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे 1000 रुपीज के, मिस्टर बी को हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे 2000 रुपीज के, इसकी हमें यहां पे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। सो देखो यहां पे अगर हम एंट्री देखें, एंट्री क्या बनेगी हमारा, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, राइट, एंट्री हमारी क्या बनेगी इस सिनेरियो की,
एंट्री विल बी एज अकाउंट डेबिट बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, अभी ध्यान देना, ये एंट्री तो हमें आती है, मैंने वैसे भी बोला है कि आता तो है हमें सब, बस ये सिस्टम अलग है सीखना है. अभी ध्यान देना, ये जो सेल्स अकाउंट है या ये कौन से बुक में बनेगा, जनरल लेजर में. और ये जो ए और बी के अकाउंट है ये कहां पे बनेंगे, डेटर्स लेजर में. ए और बी के इंडिविजुअल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे. सो देखो क्या होगा, अगर हम जनरल लेजर की बात करें ना, तो जनरल लेजर में हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे. इस सेल्स अकाउंट में व्हील से बाय ए बाय बी, ए का 1000 लिखेंगे, बी का 2000 लिखेंगे और टोटल हमारी 3000 की सेल्स हो जाएगी. फिर हम हमारा डेटर्स लेजर बनाएंगे. डेटर्स लेजर बनाएंगे मतलब जो डेटर लेजर खाता है, जो बुक है, उसमें डेटर्स के अकाउंट बनाएंगे. यहां पे ए का अकाउंट बनेगा और यहां पे हमारे मिस्टर बी का अकाउंट बनेगा. राइट, ए के अकाउंट में व्हील से टू सेल्स 1000 और बी के अकाउंट में भी व्हील से टू सेल्स अकाउंट 2000. तो देखो इस तरह से हमारी सारी अकाउंटिंग हो गई. अगर समझ लो यही ट्रांजैक्शंस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पे बैलेंस कैरिड डाउन इधर आ जाएगा 1000, यहां पे बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 2000. ठीक है, अभी साल के अंत में इफ यू आर मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग. जनरल लेजर में हम लोगों ने, डेटर्स लेजर में हम लोगों ने ए और बी के अकाउंट बना लिए. अगर हम यहां पे इन ट्रांजैक्शन के हेल्प से एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सो देखो हमें पता है तीन अकाउंट है यहां पे, एक सेल्स अकाउंट है, एक मिस्टर ए का अकाउंट है, एक मिस्टर बी का अकाउंट है. सेल्स का टोटल, रादर क्रेडिट साइड में जाएगा, सेल्स का टोटल है 3000, ए का बैलेंस है 1000 और बी का बैलेंस है 2000. अभी एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो, सेल्स हमने कौन से लेजर बुक से लिया, जनरल लेजर से. अगर डेटर्स लेजर से कुछ भी नहीं लेते तो ट्रायल बैलेंस में 3000 क्रेडिट रहता, डेबिट में कुछ भी रहता नहीं. सिमिलरली ये ए और बी हमने कहां से लिया, डेटर्स लेजर से. राइट, अगर खाली डेटर्स लेजर से बैलेंस लेते तो डेबिट साइड में 3000 आता, क्रेडिट साइड में अमाउंट जीरो होता. तो नॉर्मल सिस्टम में व्हेन वी आर मेकिंग अ जनरल लेजर, डेटर लेजर एंड क्रेडिटर लेजर, राइट, अकाउंट्स तो सही से बनेंगे, बट ट्रायल बैलेंस अगर हमें टैली कराना है दोनों साइड, तो हमें जनरल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, तीनों जगह से जब हम बैलेंस हमारे उठाएंगे तभी जाके हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा. विज अभी देखो सीट बेल्ट बांध लो यार, अभी टेक ऑफ कर रहे हैं. अभी हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सेम ट्रांजैक्शंस को अगर हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में प्रोसेस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो किस तरह से हमारा आउटकम निकलेगा और किस तरह से हमारे ट्रायल बैलेंसेस बनेंगे. अगर ये समझ लिया ना, तो मान लो कि तुमने सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम की आत्मा को जान लिया. राइट, फिर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ऑपरेट करना विल बिकम वेरी इजी. राइट, यू विल नॉट बिकम अ मैकेनिकल पर्सन के यार इसका इधर डालो, इसका उधर डालो, डेटर का उल्टा कॉन्ट्रा बना लो, क्रेडिटर का उल्टा कॉन्ट्रा बना लो. तुम्हें ये पता रहेगा कि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है और इस सिस्टम को क्यों यूज किया जाता है. राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अभी हम लोग बोलेंगे अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, सेम ट्रांजैक्शंस, यहां पे गुड्स
sold on credit. A को 1000 rupees के goods credit में बिके, B को 2000 rupees के goods credit में बिके. अभी self balancing system के अंदर किस तरह से इसकी accounting होगी? Entry तो हमें पता है, entry इसकी क्या है यार, entry थोड़ी ना बदलेगी. Accounting will remain the same. It is only the two additional ledger accounts which you are trying to prepare, right? So यहाँ पे entry तो same ही है. A B to sales, A का 1000, B का 2000 और sales 3000. अभी अगर self balancing system follow better side पे बात कर रहे हैं, तो general ledger में क्या बनेगा मेरा? जनरल लेजर में ऑल अकाउंट्स मतलब सेल अकाउंट यहाँ पे जनरल लेजर में बनेगा. साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या बनेगा? डेटर लेजर एडजस्टमेंट. डेटर लेजर में क्या बनेगा? ए और बी के इंडिविजुअल अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनेगा. धीरे धीरे इसको बहुत ही ईजी है, ये हो जाएगा तो बोलोगे सर बहुत ईजी है, सिंपल है, अब हम कर लेंगे ना. चलो सो सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल लेजर, राइट. सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल लेजर. जनरल लेजर में वी विल मेक सेल्स अकाउंट, और जनरल लेजर में हम बनाएंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. अभी देखो एक सीक्रेट बता रहा हूं, कान में नहीं बताऊंगा, खुला सीक्रेट है. डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट डेटर्स अकाउंट ऑन टोटल बेसिस. मतलब इंडिविजुअल डेटर में जिस तरह से एंट्री करते हैं, नहीं टोटल, मंथली टोटल या वीकली टोटल, जो भी सिस्टम हो वो टोटल यहां पे पोस्ट होगा. अभी डरना नहीं है यार, किस तरह से एंट्रीज होगी सारा कुछ मैं बताऊंगा. जस्ट पहले आप लेजर मेरे साथ क्रिएट करते जाओ, फिर हम डेटर्स लेजर. भाई ये अकाउंट नहीं है, डेटर लेजर मतलब एक खाता है, एक बुक है जिसमें हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे. हाँ, यहां पे हमें क्या क्या मेंटेन करना है? एक तो मिस्टर ए का अकाउंट आएगा यहां पे, दूसरा मिस्टर बी का अकाउंट यहां पे आएगा, और तीसरा यहां पे हम मेंटेन करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. मतलब अगर एक लर्न करने की या समझने की बात बोले ना, तो जनरल लेजर में क्या बनता है? डेटर लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट. डेटर लेजर में क्या बनता है? जनरल लेजर. क्रेडिटर लेजर में क्या बनता है? जनरल लेजर. मतलब जो आपका नाम है ना, जो लेजर आपका नाम है, उसका ऑपोजिट जो अकाउंट है वो बनेगा. क्लियर है? अब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं. सेल्स में देखो हम क्या लिखेंगे, बाय एज अकाउंट, बाय बीज अकाउंट. ए का 1000, बी का 2000. सर ये तो एब्सोल्युटली सेम है जो हमने किया, तो ऑब्वियसली एब्सोल्युटली सेम ही रहेगा ना, अकाउंटिंग थोड़ी ना बदलेगी. फिर हम ए के अकाउंट में जाएंगे, बोलेंगे टू सेल्स 1000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000, अज्यूमिंग और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ये ट्रांजैक्शन हमने किया. बी के अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू सेल्स 2000, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000, और ये अकाउंट क्लोज. तो देखो नॉर्मल जो अकाउंटिंग हम करते थे ना, वो तो हमने कर ली, बहुत ही ज्यादा सिंपल. अभी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के चलते हमने जो दो बनाया है ना, डेटर लेजर एडजस्टमेंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट, उसकी बात करते हैं.
देखो जनरल लेजर में हम क्या बना रहे हैं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज डेटर्स अकाउंट. जिस तरह से आप डेटर अकाउंट में एंट्री करोगे उसी तरह आपको यहां पे एंट्री करनी है. तो सर टोटल सेल अगर हमारा 3,000 है ना, तो डेटर में अगर आप टोटल लिखने को बोलोगे ना तो हम क्या लिखेंगे, 3,000. जस्ट दैट यहां पे हम लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट. अभी इस पे भी ध्यान नहीं देना है क्या जर्नल एंट्री है, वो मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ. बस यहां पे हम डेटर में डेबिट साइड एंट्री करनी है ना, तो हमने यहां पे लिख दिया टोटल सेल्स, ये हमारा 3,000, यहां पे बाय बैलेंस कैरेड डाउन आ गया 3,000. सिमिलरली ये जो जनरल लेजर है ना, हमारा डेटर का कॉन्ट्रा है. क्या डेटर का कॉन्ट्रा? ऑपोजिट ऑफ डेटर्स. तो अगर डेटर्स में हमने डेबिट साइड में एंट्री की है ना, तो यहां पे हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे. लिखेंगे बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट. अभी इस पे फोकस नहीं करना है, खाली ये एंट्रीज तो मैं आपको सिखा दूंगा, किस साइड एंट्री हुआ वो हम देखते हैं बस, दैट्स इट. तो यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,000. बस एक बार यहां तक करके आप लोग सब पॉज लो, राइट, एवरीबडी गेट डन टिल हियर, ठीक है. इसके बाद हम समझते हैं कि इसका टोटल जो आउटलुक बनता है वो किस तरह से बनता है, ठीक है. देखो जनरल लेजर में हमने दो अकाउंट बना लिए, सेल्स अकाउंट नॉर्मल अकाउंटिंग, डेटर लेजर अकाउंट जहां पे हमने डेबिट साइड में एंट्री की, राइट, क्योंकि हमने बोला ये हमारा डेटर का अकाउंट है. अभी एक बात बताओ, जनरल लेजर, ये जो हमारा जनरल लेजर है ना, इस जनरल लेजर के हेल्प से खाली अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, इस जनरल लेजर के हेल्प से खाली अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो वो ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में 3,000 का सेल्स आएगा और डेटर लेजर एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है ये, तो डेबिट साइड में 3,000 आएगा. मतलब अगर जनरल लेजर की ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे सेल्स 3,000, DLA डेटर लेजर एडजस्टमेंट जिसका डेबिट बैलेंस है 3,000, और देखो हमारी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई. क्लियर है? सिमिलरली अगर हम डेटर्स लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो देखो डेटर्स लेजर में अकाउंट कौन कौन से हैं? ए का अकाउंट है, बी का अकाउंट है और एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है. ए के अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1,000 डेबिट. बी के बैलेंस में कितना अकाउंट है? 2,000 डेबिट. और देखो ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट है, इसका कौन सा नेचर का बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस इसका नेचर है, बिकॉज क्रेडिट साइड इज हैवियर, बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है. तो यहां पे इसको हम क्रेडिट साइड में 3,000 लिखेंगे, आप देखोगे कि भाई हमारी ट्रायल बैलेंस मैच हुई. मतलब ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस जनरल लेजर भी बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस पूरी बनेगी, और हमारा डेटर लेजर भी बैलेंस होता है. और अगर टोटालिटी के बेसिस पे बनाएंगे अगर डेबिट और क्रेडिट की बात करें, तो देखो सेल्स कितना है हमारा 3,000. ये सेल्स हमें कहां से मिला? जनरल लेजर से. फिर डेटर लेजर एडजस्टमेंट कितना है? 3,000. ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट भी कहां से मिला हमें? जनरल लेजर से, राइट. हम ऊपर की जो दो बनाई ट्रायल बैलेंस है ना, उसको खाली कंबाइन कर दे रहे हैं. फिर ए बी, ए का 1,000, बी का
2000, ये कहां से मिला हमें? डेटा लेजर और फाइनली जनरल लेजर एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 3000 है. क्रेडिट बैलेंस ये भी हमें कहां से मिला? डेटा लेजर. अभी इसका टोटल अगर हम करते हैं टोटल ट्रायल बैलेंस का, तो दिस इज 6000 एंड दिस इज 6000, टोटालिटी में भी मैच हुआ. और ये दो जो अकाउंट है ना, ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, राइट? डीएलए एंड जीएलए, एक का डेबिट है दूसरे का क्रेडिट है. इसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ नॉक ऑफ हो जाएंगे. देयर इज जीरो इम्पैक्ट ऑन दी लेट्स से ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज जस्ट फॉर द कंट्रोल पर्पस. सो बाय दिस वी अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, के दो एक्स्ट्रा हम या तीन एक्स्ट्रा लेजर्स हम मेंटेन करते हैं, डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसके हेल्प से हम हर एक लेजर बुक्स को अपने आप में बैलेंसिंग बनाते हैं. सो दिस वॉज दी क्रक्स. अभी हमने अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, क्या बनाना है, किस तरह से सम सॉल्व होंगे, ये कुछ नहीं समझा. जस्ट हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है. अभी इसकी जब आगे बढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि क्या अकाउंट्स बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसका डिटेल डिस्कशन होगा. चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, राइट? इन द प्रीवियस सेशन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर. हमने समझा था कि जब भी हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, देर आर थ्री सेपरेट लेजर बुक्स दैट आर मेंटेन्ड. वन इज नोन एज द जनरल लेजर. जनरल लेजर में क्या होता है, सारे अकाउंट्स हम इसमें ओपन करते हैं अदर देन द इंडिविजुअल डेटर्स एंड इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट. साथ ही साथ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में जनरल लेजर में और दोस्त अकाउंट ओपन होते हैं, विच इज टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, जिसको हम लोग डेटर लेजर एडजस्टमेंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं. और हम मेंटेन करते हैं डेटर्स लेजर. डेटर लेजर में हम क्या मेंटेन करेंगे, इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट और साथ ही साथ डेटर का कॉन्ट्रा अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. एंड सेम वे वी फॉलो वी मेक अ क्रेडिटर्स लेजर. ये लेजर क्या है, खाता है, बुक है, जिसमें हम अकाउंट्स ओपन करेंगे. ये क्रेडिटर्स लेजर में हम क्या मेंटेन करेंगे, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट्स हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे. साथ ही साथ इसका कॉन्ट्रा अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, विच इज नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ये बेसिकली क्रेडिटर लेजर का कॉन्ट्रा अकाउंट या ऑपोजिट अकाउंट माना जाता है. और इसको हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं, कि तीनों बुक जनरल लेजर, डेटर लेजर या क्रेडिटर लेजर, जब आप एक ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो कंप्लीट आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, जहां पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच करेगा. अभी हम लोग बात करेंगे, देखो इस चैप्टर में व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि हमें किस तरह से इन बुक्स को बनाना है. इन बुक्स को मतलब जनरल लेजर में सम में हमें दिया जाएगा कि हम डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं. डेटर लेजर के लिए हमें वो बोल सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स बना लो या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ. सिमिलरली क्रेडिटर्स लेजर में बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाओ या फिर आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ. तो अभी इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी अबाउट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग. नाउ इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर किस तरह से बनाए जाते हैं, ये जो सिस्टम है ये प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करता है. तो यहां पे एक चीज नोट करते हैं. लेट्स नोट. सो देखो यहां पे हम बोलेंगे लेजर बुक. ये लेजर बुक के अंदर हम तीन तरह के लेजर बुक्स मेंटेन करते हैं. एक जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल लेजर, दूसरा जिसको हम बोलेंगे डेटर्स लेजर, तीसरा
क्रेडिटर्स लेजर। मेजॉरिटी सम में हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि हम जनरल लेजर के अंदर प्रेजेंट करें डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और यहां पे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी देखो ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, व्हेन वी टॉक अबाउट डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट आप इसमें अकाउंटिंग करोगे यही मान के कि हम डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं। जिस तरह से डेटर के अकाउंट में अकाउंटिंग होती है सेम तरीके से ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में अकाउंटिंग होगी। कॉन्सेप्ट हम पिछले सेशन में समझ चुके हैं इसका। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट दिस इज माय क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब ये टोटालिटी बेसिस पे बनता है, ये जितने भी टोटल डेटर्स है और टोटल क्रेडिटर्स है राइट, कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम मंथली टोटल्स या मे बी वीकली टोटल्स लेकर इस अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। देन अगर हम डेटर लेजर की बात करें तो दे विल आस्क अस टू मेक ए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस इज माई कॉन्ट्रा या ऑपोजिट डेटर अकाउंट है, मतलब जो चीज डेटर अकाउंट में डेबिट साइड में आती है वो इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी, जो चीज इस डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है वो सारी चीज इस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगी। इसको हम प्यार से बोलते हैं GLA, इनका भी प्यार भरा नाम है, डेटर्स लेजर को DLA बोल देंगे और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट को CLA बोल देंगे। सिमिलरली क्रेडिटर लेजर के अंदर भी वी विल मेक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज एज अंडरस्टूड, ये क्या है हमारा कॉन्ट्रा या ऑपोजिट क्रेडिटर अकाउंट, मतलब जो एंट्रीज क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में आती है वो एंट्रीज इस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी और जो एंट्रीज क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आती है वो एंट्रीज अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो हमें लर्न करना है वो क्या है कि हमें जनरल लेजर के अंदर वो बोलेंगे कि डेटर लेजर एडजस्टमेंट बनाओ या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट बनाओ या दोनों ही बनाओ, ये बहुत ही आसान है। व्हेन वी टॉक अबाउट मेकिंग लेजर अकाउंट्स इन द जनरल लेजर इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज डेटर लेजर एडजस्टमेंट मतलब डेटर का अकाउंट ऑन अ टोटालिटी बेसिस, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट मतलब हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट ऑन अ टोटालिटी बेसिस। डेटर लेजर के अंदर क्या बनेगा GLA जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सिमिलरली क्रेडिटर लेजर के अंदर क्या बनेगा GLA विच इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये दोनों ही अकाउंट क्या है, ये कॉन्ट्रा अकाउंट है राइट, ये कॉन्ट्रा अकाउंट है। डेटर जिस तरह से चलता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सेंस में ये वाला अकाउंट चलेगा, क्रेडिटर्स जिस तरह से चलता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सेंस में ये वाला अकाउंट चलेगा। अभी हम इस अकाउंटिंग देखेंगे राइट, यू वॉन्ट अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट राइट गाइस, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अकाउंटिंग। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री पास होती है इन द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। देखो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम प्लस देर आर थ्री एडिशनल अकाउंट्स विच वी हैव टू ओपन,
थ्री या फोर बोल सकते हैं। जैसे जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट दो अकाउंट खुलेंगे एक्स्ट्रा, एंड डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो ये चार एडिशनल अकाउंट हमें ओपन करने पड़ेंगे इन एडिशन टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ एंट्रीज विच वी हैव इन रिलेशन टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो देखो एक एक करके एंट्रीज देखते हैं, बहुत ही सिंपल इसके अंदर भी। और मैं आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे ये जो फ्लो ऑफ एंट्रीज है ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। नॉर्मली लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, नॉर्मली हमारे एग्जाम में राइट दे आस्क अस टू मेक लेजर अकाउंट्स, राइट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोलते हैं। बट मे बी दे माइट आस्क जर्नल एंट्रीज एज वेल। और किसी चीज को अगर हमने जनरल जर्नल एंट्री से अगर समझा हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट एकदम और ही ज्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट ऑन विद दिस। फॉर क्रेडिट सेल देखो नॉर्मली हम क्या एंट्री करते हैं, डेटर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एक बात ध्यान से सुनो, जहां पे भी इन एनी एंट्री विच एवर डिरेक्शन द डेटर विल गो, द डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट विल ऑल्सो हैव द सेम नेचर। मतलब अगर हम डेटर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो यहां पे हम डेटर लेजर एडजस्टमेंट को भी डेबिट करेंगे, अगर डेटर को कभी भी हम क्रेडिट कर रहे हैं तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। सो ध्यान देते हैं, फॉर क्रेडिट सेल्स हमारी एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के लिए जो एडिशनल एंट्री हमें करनी पड़ेगी दैट विल बी माय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो ध्यान दो एक चीज पे, जो भी एंट्रीज होगी ना सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर इट विल इन्वॉल्व ओनली थ्री अकाउंट्स, डेटर लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट इन केस ऑफ परचेज साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट। इन तीन अकाउंट के बीच में ही हम जो भी करना है करेंगे। अभी आगे पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं नॉर्मल एंट्री हमारी क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट। तो यहां पे देखो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, आवर एंट्री विल बी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, देखो डेटर के साथ साथ डेटर लेजर एडजस्टमेंट चलेगा, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी देखो ध्यान दो, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैंने क्या बोला कि जिस तरह से हम डेटर को डील करेंगे, मतलब अगर डेटर को डेबिट किया है तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करना है, डेटर को क्रेडिट किया है तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना है। ये चीज मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। देखो हमने क्या बोला, डेटर लेजर एडजस्टमेंट इज सेम एज डेटर अकाउंट, तो खाली नाम में परिवर्तन आया है, राइट, नाम हमने चेंज किया है, पर है क्या, ये हमारा डेटर अकाउंट ही है। तो जिस तरह से डेटर को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से हमें इसको भी ट्रीट करना है। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई है तो इसकी जो फ्लो ऑफ एंट्रीज है वो हो गई, बिकॉज नॉर्मल सिनेरियो में क्या एंट्री करनी है आप सबको पता है, राइट, ऑल ऑफ यू नो व्हाट एंट्रीज वी डू अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस। तो ये एडिशनल एंट्रीज भी, देन फॉर गुड्स रिटर्न्ड डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट, तो गुड्स रिटर्न के लिए ये हमारा परचेज रिटर्न, सॉरी ये हमारा सेल्स रिटर्न है डेटर रिलेटेड है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न के लिए हम लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड के लिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बैड डेट के लिए बैड डेट डेबिट, और क्रेडिट हम किसको करते हैं डेटर को। तो इन सब के लिए एक कॉमन अकाउंट यूज होगा, कौन सा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेटर को हमने क्रेडिट किया है तो हम यहां पे डेटर लेजर एडजस्टमेंट को भी क्रेडिट करेंगे। सो आवर एंट्री विल बी
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. एब्सोल्यूटली क्लियर. अगर ये बात समझ में चैप्टर इज मोर ऑर लेस डन, यू नो व्हाट द जर्नल एंट्रीज है, एंड इफ यू नो द जर्नल एंट्रीज तो अभी हम इस लेवल पे तो आ चुके हैं कि उसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी हमें एब्सोल्यूटली पता रहे. बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन कस्टमर, तो एंट्री क्या होती है, बीआर टू डेटर. यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. क्लियर है. देन मूविंग ऑन, अगर हमारा बीआर डिसऑनर होता है या चेक डिसऑनर होता है, तो अगर देखो जब चेक मिलता है तब क्या एंट्री करते हैं, बैंक टू डेटर, और अगर डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगी, डेटर टू बैंक. सिमिलर बीआर ड्रॉ करते हैं तब एंट्री क्या करते हैं, बीआर टू डेटर. अगर वो डिसऑनर एंट्री क्या करेंगे, डेटर टू बीआर. अभी डेटर के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, वेरी गुड, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, शाबाश, समझ में आ रहा है आप सबको. और इन दोनों के लिए व्हाट विल बी यूज, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. देखो यहां पे मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बट प्लीज इंश्योर एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म ADJ या GLA, DLA एटसेट्रा यूज ना करें. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई एग्जाम में कभी भी किसी चीज को एब्रीविएट मत करो, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो. द एग्जामिनर में गेट ऑफेंडेड बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जाम है, करियर ओरिएंटेड एग्जाम है, राइट. यू कैन नॉट टेंड टू टेक दिस लाइटली. आपको फुल फॉर्म ही हर एक चीज का लिखना है, प्लीज याद रखना है. बिकॉज जब मैं पेपर्स भी बच्चों के चेक करता हूं, मे बी रेगुलर टेस्ट के या मॉक टेस्ट के, तो ये गलती मेरे को बहुत लोगों से मिलती है. मैं सर्कल करके मेरा कमेंट लिख के देता हूं, एंड द गुड पार्ट इज दैट मोस्ट ऑफ यू डोंट फॉलो इट. बट मैंने डोंट फॉलो इट मतलब यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, मेरी बात मानते हो आप लोग, राइट. सो प्लीज इंश्योर, राइट, प्लीज इंश्योर शॉर्ट फॉर्म्स यूज ना करें. इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस, तो देखो हमारे कस्टमर ने हमें पैसे नहीं दिए, डीले किया, तो हमने बोला वाह तुमने डीले किया ना, अब हम तुम्हारे से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, एंड वी आर सपोज टू रिसीव मोर फ्रॉम आवर डेटर. तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, डेटर टू इंटरेस्ट इनकम. सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ये देखो इंपॉर्टेंट एंट्री है, राइट. इसको हम दोनों साइड से पढ़ेंगे, जब डेटर की बात कर रहे हैं तभी भी पढ़ेंगे, जब क्रेडिटर की बात कर रहे हैं तभी भी पढ़ेंगे. देखो बहुत बार क्या होता है ना कि एक सेम पार्टी से हम परचेज भी करते हैं गुड्स, और हम उनको गुड्स सेल भी करते हैं. जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है और उसका अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर बुक में ओपन हो जाता है. जब हम किसी पार्टी से को सेल करते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है और उसका अकाउंट डेटर लेजर में ओपन हो जाता है. साल के एंड में हम देखते हैं कि उससे रिसीवेबल ज्यादा है या उससे पेएबल ज्यादा है, और एक बुक को नॉक ऑफ करके एक सिंगल जगह पे हम उसका बैलेंस लेकर जाते हैं, राइट. सो यहां पे जब भी ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर, डेटर से हटा के हमें बैलेंस को क्रेडिटर में लेकर जाना है, राइट. सो यहां पे द एंट्री विच वी पास इज क्रेडिटर्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और डेटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये मिस्टर ए है, इनका डेटर बुक में समझो 1000 रुपीज है, और यही मिस्टर ए का क्रेडिटर्स के बुक में, राइट, क्रेडिटर लेजर में मे बी 3000 बैलेंस है. सो देखो करना क्या है, ए को हमें 1000 देना है
और थ्री सॉरी ए से हमें 1000 लेना है और उसको हमें 3000 का पेमेंट करना है, ठीक है। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो नेट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू पे हिम 2000 रुपीज, 3000 वी नीड टू पे, 1000 वी नीड टू टेक। तो हम यहां पे क्या करते हैं, डेटर को क्लोज कर दिया 1000 से, क्या लिखेंगे यहां पे, टू क्रेडिटर, ठीक है, टू क्रेडिटर। डेटर अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, टू क्रेडिटर, और यहां पे हम लिखेंगे बाय, सॉरी ये बाय आएगा यहां पे बाय, एंड दिस विल बी टू डेटर, वन थाउजेंड, राइट। सो ये 1000 वाला अकाउंट हमारा स्क्वेयर ऑफ हो गया और यहां पे नेट आप देखो आपका 2000 का बैलेंस बचा। सो ये एंट्री क्या बनी, हमारी एंट्री बनी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट। हम एंट्री क्या करेंगे यहां पे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब डेटर हमें 1000 से कम करना है और क्रेडिटर को भी 1000 से कम करना है। अभी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर क्रेडिटर जहां पे आएगा ना, जैसे डेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, वैसे ही क्रेडिटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। सो यहां पे क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। सो दीज आर द फ्लो ऑफ एंट्रीज, बहुत ही सिंपल फ्लो ऑफ एंट्रीज है। अभी इनके रिलेटेड लेंगे, बिफोर दैट अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर ऑल ऑफ यू, हमारे डेटर लेजर एडजस्टमेंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में वही एंट्री इंपैक्ट करेगी जहां पे डेटर डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। अगर किसी एंट्री में डेटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर ये एंट्रीज नहीं आएगी व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम द सेल साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन। सो देखो यहां पे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। देखो जब बिल्स रिसीवेबल को हम डिस्काउंट कराते हैं, हमारी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करते हैं, रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो डेटर का अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो यहां पे सेल्फ बैलेंसिंग के लिए में इसकी एंट्री आएगी नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम क्या करते हैं, पीएल को डेबिट करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, ये हमारे डेटर को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता। दैट इज वाई ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में इसकी कोई भी एंट्री नहीं पड़ेगी। सो ये मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बताया, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जो हमारे डेटर को इंपैक्ट नहीं करता है वो डेटर साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सेल्फ बैलेंसिंग में अपियर नहीं करेगा। नाउ बी वेरी अटेंटिव बिकॉज एग्जाम में यूजली 95% 99% ऑफ टाइम हमें वो लेजर ही बनाने को बोलेंगे। बोलेंगे जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट बनाओ या डेटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाओ। ये वाला जो बनाने का काम है, लिसन टू दिस, ये इजी है। व्हाई एम आई कॉलिंग इट इजी, इजी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज डेटर का अकाउंट तो यार हम लाखों बार बना चुके हैं अब तक, वेरी इजी। पर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाओ, ये थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज ये डेटर का उल्टा अकाउंट है, मतलब जो हम डेटर में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं वो यहां पे क्रेडिट में होगा और जो डेटर में क्रेडिट में होता है वो यहां पे डेबिट में होगा। तो ये करते समय हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हाई रखना। सो अभी पहले हम बात करेंगे इन द जनरल लेजर व्हाट आर वी मेकिंग, वी आर मेकिंग सेल्स और डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट का नेचर क्या है, सेम एज डेटा। तो डेटर का हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस बोट डाउन, फिर डेटर अकाउंट में डेबिट साइड में हम सेल्स लिखते हैं। तो कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है हमारा, टू जनरल लेजर, बिकॉज जो भी एंट्री पड़ रही है वो क्या कर रही है, डेटर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर या जनरल लेजर डेबिट टू डेटर लेजर।
सो यहाँ पे भी हम टू जनरल लेजर लिख देंगे और यहाँ पे बाई जनरल लेजर लिख देंगे, और जो उस ट्रांजैक्शन का नेचर है वो नेचर हम लिखते जाएंगे। तो सेल्स के लिए यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे डेटर के अकाउंट में लिखा है राइट, नॉर्मली तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ये क्या है, बहुत बार किसी कस्टमर से हमें एडवांस मिला रहता है राइट, किसी कस्टमर ने अगर हमें एडवांस देकर रखा है तो वो कस्टमर के यहाँ क्रेडिट बैलेंस होगा उसके अकाउंट में, और ये जो हमारा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किया है ये समरी या टोटल डेटर का जो मिश्रण है कंसोलिडेशन है वो है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी होगा और किसी कस्टमर से अगर हमें एडवांस मिला है तो वो क्रेडिट बैलेंस भी यहाँ होता है। क्लियर बात। फिर अगर हमें किसी कस्टमर ने पेमेंट दिया तो यहाँ पे कलेक्शन हम लिखेंगे, अगर किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए तो क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री आ जाएगी। देन अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स होगा वो रिकॉर्ड करेंगे, अगर किसी कस्टमर ने हमें बिल रिसीवेबल हमारा एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे राइट। फिर अगर किसी का चेक या किसी का बिल डिसऑनर होता है तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे एक नॉर्मल डेटर का हम अकाउंट बनाते हैं सेम तरीके से ये हमारा अकाउंट बनेगा राइट, सेम तरीके से ये हमारा अकाउंट बनेगा। देन फाइनली आर डेटर विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस, और अगर किसी कस्टमर से आया पड़ा हुआ है राइट, किसी कस्टमर से एडवांस आया पड़ा हुआ है तो उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्टिंग इन डेटर्स लेजर व्हाट आर वी मेकिंग, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है, कॉन्ट्रा डेटर। कॉन्ट्रा डेटर अभी ध्यान से देखना, अगर डेटर का ओरिजिनल बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखते हैं तो ये सेम बैलेंस जनरल लेजर एडजस्टमेंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहां पे हमने GLA करके सेल्स डिसऑनर ऑफ चेक एंड डिसऑनर ऑफ बिल लिखा, तो यहाँ डेटर लेजर एडजस्टमेंट लिख के हम सेल्स डिसऑनर ऑफ चेक एंड डिसऑनर ऑफ बिल लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। हमने क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं इन द डेटर्स अकाउंट, वो सारे सारे आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस था तो हमने डेटर के क्रेडिट साइड में लिखा, तो जनरल लेजर में ये क्रेडिट बैलेंस जो है ये हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। सो दिस इज अ मिरर रिफ्लेक्शन राइट, एकदम उल्टा रिफ्लेक्शन है ऑफ माय डेटर्स अकाउंट। आर यू क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ईजी, हमें डेटर्स अकाउंट बनाना आता है, सेल्स होता है तो डेटर के डेबिट साइड में लिखो, पेमेंट मिलते हैं तो डेटर के क्रेडिट साइड में, रिटर्न क्रेडिट साइड में, बैड डेट क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट साइड में, ये नॉर्मल अकाउंटिंग है हमारी। और एक ऑपोजिट कॉन्ट्रा हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी बात करते हैं क्रेडिटर्स पर्सपेक्टिव, मतलब क्रेडिट परचेज और उसका फ्लो ऑफ आगे का ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। सेम मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज होगी। डेटर के लिए हम डेटर लेजर एडजस्टमेंट यूज करते थे, डेटर को डेबिट किया तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करो, और डेटर को क्रेडिट किया तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करो। यहाँ पे सेम तरीके होगा, जहां पे क्रेडिटर होगा उसके जगह क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट आ जाएगा। सो व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमारी एंट्री क्या होती है, परचेज टू क्रेडिटर्स। एडिशनल एंट्री सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में क्या आ जाएगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और देखो ये भी मैं नई बात आपको नहीं बता रहा हूं, जब मैंने सेशन स्टार्ट किया तभी मैं सबको डेटर लेजर एडजस्टमेंट इज नथिंग बट माय टोटल डेटर्स अकाउंट, वैसे ही
जनरल लेजर में जो हम क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं इज सेम एज द क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट। तो जिस तरह से क्रेडिट सेम क्रेडिटर लेजर राइट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स जो सॉरी पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं हम एंट्री क्या करते हैं, वी मेक एन एंट्री, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिटर्स टू कैश बैंक। सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। देन गुड्स रिटर्न्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर गुड्स रिटर्न किया हमने तो इट इज अ रिटर्न आउटवर्ड, हमारे क्रेडिटर को हमारे सप्लायर को हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव इज अ बेनिफिट फॉर अस, टू डिस्काउंट रिसीव को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे क्रेडिटर को डेबिट किया है, रिटर्न आउटवर्ड और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया, और एंट्री विल बी क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन दोनों के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है। देन बिल पेएबल एक्सेप्टेड, हमने क्रेडिटर के फेवर में एक बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके उसको दिया, इन दैट सिनेरियो जो एंट्री होगा क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, बिल्स पेएबल को क्रेडिट, यहां पे एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, राइट, ईच वन ऑफ यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस फ्लो ऑफ एंटर। बहुत ही सिंपल है यार, तीन चार अकाउंट्स को ही तो डील कर रहे हैं, डेटर यहाँ पे डेबिट, डीएलए वहां पे डेबिट, क्रेडिट डेटर यहाँ पे क्रेडिट, डीएलए वहां पे क्रेडिट, सिमिलरली क्रेडिटर यहाँ पे डेबिट, सीएलए वहां पे डेबिट, क्रेडिटर यहाँ पे क्रेडिट, सीएलए वहां पे क्रेडिट, और कॉन्ट्रा हमेशा कौन सा रहेगा, जीएलए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्स पेएबल चेक डिसऑनर होता है तब क्या करते हैं, देखो जब पेमेंट करते तब एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर टू बैंक, डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे, बैंक टू क्रेडिटर। जब बीपी पिक्चर में आता है तब एंट्री क्या करते हैं हम लोग, तब हम एंट्री करते हैं हमारे क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, बिल्स पेएबल को क्रेडिट, अभी ये डिसऑनर हो गया तो बिल्स पेएबल को डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर को वापस क्रेडिट कर देंगे। सो इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एंडोस टू क्रेडिटर, देखो इस चैप्टर में हमें बिल्स रिसीवेबल, राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपका चैप्टर है जहां पे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल को हम लोग डील करते हैं, उस चैप्टर में भी काफी एडवांस नॉलेज चाहिए होगी, राइट। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसके कॉन्सेप्ट एक बार रिकैप करके ही इस चैप्टर को प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बिकॉज जब भी डेटर और क्रेडिटर की बात आती है ना, सिमिलरली वहां पे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स क्रेडिट पेएबल की भी बात आती है। आफ्टर दिस डिस्कशन मैं आपको एक बार एक छोटा सा रिकैप करा दूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कि किस फॉर्मेट में हम लोग एंट्रीज करते थे, तो जो बत्ती है वो खुल जाएगी, राइट, द ट्यूबलाइट विल ओपन। यहां पे बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, हमें हमारे कस्टमर से बिल्स रिसीवेबल मिला, ये हमने हमारे क्रेडिटर को दे दिया फॉर मेकिंग पेमेंट, तो यहाँ पे क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री होती है। हमारे सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर क्या होगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम हमारे सप्लायर को, हमारे क्रेडिटर को पेमेंट देने में डिले करते हैं तो वो हमारे से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो हमें पे करना पड़ा ना इंटरेस्ट, तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट खर्चा है, दैट इज वाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। एंड आवर पेएबल टूवर्ड्स द क्रेडिटर इंक्रीजेस, तो क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। इस सिस्टम में वी विल से जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगेन पिछली बार जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस करेंगे। वहां पे हमने बोला था डेटर को क्रेडिटर में ट्रांसफर करना है, यहां पे हम बोल रहे हैं क्रेडिटर को डेटर में ट्रांसफर करना है। देखो चीज एक ही है, क्रेडिटर को भी कम करना है और डेटर को भी कम करना है। क्रेडिटर को कम करने के लिए क्रेडिटर को हम डेबिट करते हैं, डेटर को कम करने के लिए डेटर को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे क्रेडिटर टू डेटर एंट्री बनता है। और सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सो बाय दिस वी आर डन विथ मोस्ट एंट्रीज विच विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। मेजॉरिटी एंट्रीज को हम कवर कर चुके हैं और अगर कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज आती है तो वी लुक एट देम व्हाइल वी आर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल सम्स। अभी इस कॉन्सेप्ट हम हमारे देखेंगे। तो यहाँ पे जनरल लेजर में हमें क्या बनाना है, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है, सेम एज क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्रेडिटर्स लेजर में क्या बनेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट विच इज कॉन्ट्रा ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के अकाउंट में जो क्रेडिट में है यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिटर के अकाउंट में जो डेबिट में है वो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। एक के देखते हैं जनरल लेजर में, पहले क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट देखेंगे, इसको बोलेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। सो देखो क्रेडिटर अकाउंट में नॉर्मली तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यहां पे हमने बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। क्रेडिट परचेज होता है तो वो भी क्रेडिटर में हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहां पे परचेज लिख दिया। ऑब्वियसली ऑफसेट अकाउंट यहां पे जनरल लेजर यूज करेंगे दोनों ही साइड। फिर अगर किसी सप्लायर को हमने एडवांस दिया है, ध्यान से सुनो, सप्लायर को हमने एडवांस दिया है तो सप्लायर को डेबिट करेंगे राइट, और बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो ये एडवांस टू सप्लायर हो गया। तो हो सकता है वाले कुछ सप्लायर्स हो जिनको हमने एडवांस देकर रखा है, तो उसका डेबिट बैलेंस यहां पे आ जाएगा, दे विल गिव यू इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। फिर जब क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं, एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये टू बैंक आ गया। जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं क्रेडिटर को एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, तो ये रिटर्न्स आ गया। फिर जब हमें बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करते हैं तो क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं, बीपी को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, तो ये टू बिल्स पेएबल आ गया। जब हम बीआर क्रेडिटर्स को एंडोर्स करते हैं तो एंट्री हमने देखा था क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो ये टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। अगर किसी क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलता है राइट, हम जब पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, तो ये टू डिस्काउंट रिसीव यहां पे आ गया। अगर क्रेडिटर्स को दिया हुआ चेक या बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो देखो जब देते हैं एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक या टू बिल्स पेएबल, अगर डिसऑनर हुआ तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट या बिल्स पेएबल डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहां पे ये बाई साइड में आ गया मेरा डिसऑनर ऑफ बिल्स पेएबल, और मे बी यू कैन राइट डिसऑनर ऑफ चेक, ये भी इधर आएगा। और नॉर्मली जिस तरह से क्रेडिट बैलेंस हमारे क्रेडिटर्स में आता है वो आएगा। और अगर किसी सप्लायर को बैलेंस दिया हुआ है तो उन सप्लायर्स के रिलेशन जो बैलेंस होगा वो हमारा डेबिट बैलेंस यहां पे आ जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग चीज, जो सारी आइटम्स आपको क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिख रही है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली,
वही सारी आइटम्स आपको लेजर एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में दिखेगी। देखो बैलेंस क्या होता है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हमें कहाँ पे लिखा है डेबिट साइड में, परचेज भी डेबिट साइड में, ऑनर ऑफ बिल्स पेएबल भी यहाँ पे, एंड दिस ऑनर ऑफ चेक जो ऊपर हमने लिखा था क्रेडिट साइड में वो आ गया। जो जो आइटम्स हमारे डेबिट साइड में है क्रेडिटर्स के अकाउंट में, सारी की सारी आइटम यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगी। दैट इज वाई GLA इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट, डेटर का भी कॉन्ट्रा है और क्रेडिटर का भी कॉन्ट्रा है। सो कॉन्सेप्ट राइट इज डन विद द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है। अभी एक बात ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम में, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, अगर एग्जाम में हमें बोलते हैं जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट बनाओ, मतलब डेटर का अकाउंट मांग रहे, जनरल लेजर में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ तो क्रेडिटर्स का लेजर मांग रहे, बहुत इजी, हम आराम से बना देंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फटाफट आपका सम हो जाएगा। पर अगर सम में वो बोल देते हैं कि डेटर्स लेजर में GLA बनाओ या क्रेडिटर्स लेजर में GLA बनाओ, तब हमारी थोड़ी सी बैंड बजेगी। क्यों, मतलब बजेगी ऐसा श्योरिटी नहीं है, बोल रहा हूं कि जिन लोगों के में भी कुछ लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे उल्टी अकाउंटिंग करनी है। डेटर में जो डेबिट में आएगा वो यहां पे क्रेडिट में आएगा, डेटर में जो क्रेडिट में आएगा वो यहां पे डेबिट में आएगा, सिमिलरली फॉर क्रेडिटर्स। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर ये बनाने को बोलेंगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट ऑन व्हाट साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कहां पे एंट्री करनी है। अभी देखो इसकी ट्रिक है, एक सम पढ़ के हमें डेटर अकाउंट बनाने में 2-3 मिनट ही लगेंगे, सम पढ़ के हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाने में 2-3 मिनट ही लगेंगे, और फिर क्या करना है, एक बार वो हमने रफ में बना लिया ना, तो जो डेबिट में है वो क्रेडिट में डालना है, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में डालना है। ये थोड़ा सा 2-3 मिनट का आपका एक्स्ट्रा टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम सीधा उसको अटेम्प्ट करेंगे, डेटा क्रेडिटर बनाने की जरूरत नहीं है, जो डेबिट में डालना है वो याद रखेंगे यहाँ क्रेडिट में डालना है, जो क्रेडिट में डालना है याद रखेंगे यहाँ डेबिट में डालना है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा कि हम किस तरह से कर पा रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्टली ये कॉन्ट्रा अकाउंट बना लेंगे विदाउट मेकिंग द डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट, कुछ लोग हो सकता है स्ट्रगल करे, तो उनको मैं क्या एडवाइस देता हूँ, रफ में डेटर का अकाउंट बनाओ फिर GLA बना लो उसका कॉन्ट्रा, रफ में क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ और उसका GLA बना लो उसका कॉन्ट्रा, राइट। सो दैट इज हाउ दिस विल वर्क। इस अंदर ही, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, राइट। अभी देखो ये क्या है, छोटा सा पोर्शन है, 5-7 मिनट लगेंगे मेरे को एक्सप्लेन करने में, अभी आपका ग्रिप बैठा हुआ है इस चैप्टर पे तो ये आप आराम से समझ जाओगे। देखो एक बार मैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को वापस एक्सप्लेन कर देता हूं सो देट आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इस पेज पे सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में देखो ने क्या समझा, हम तीन लेजर बुक्स मेंटेन करते हैं, राइट। हम तीन लेजर बुक्स मेंटेन करते हैं, एक जनरल लेजर जहां पे सारे अकाउंट्स ओपन होंगे अदर देन दी अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल डेटर एंड इंडिविजुअल क्रेडिटर, और इसको सेल्फ बैलेंसिंग बनाने के लिए हम टोटल डेटर एंड टोटल क्रेडिटर का भी अकाउंट बना लेंगे, सो दैट अगर जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बने तो एक कंप्लीट टैलिड बैलेंस ट्रायल बैलेंस हमें मिले। सिमिलरली हम डेटर लेजर बनाते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल डेटर के अकाउंट ओपन होंगे जिनका ऑब्वियसली एग्रीगेट डेबिट बैलेंस होगा,
साथ ही साथ इसी बुक में हम एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं जो कि डेटर अकाउंट का कॉन्ट्रा या ऑपोजिट अकाउंट है। तो जितना डेटर का डेबिट बैलेंस आएगा एग्रीगेट में, उतना ही यहां पे एग्रीगेट में क्रेडिट बैलेंस आएगा और ट्रायल बैलेंस हमारी डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगी। सिमिलरली क्रेडिटर लेजर के अंदर इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के हम अकाउंट बनाएंगे, इसका एग्रीगेट टोटल डेफिनेटली क्रेडिट रहेगा। इसमें हम जीएलए अकाउंट बनाएंगे जो क्रेडिटर का कॉन्ट्रा होगा, राइट। तो क्रेडिटर का जितना बैलेंस टोटालिटी में होगा जीएलए में, उतना सेम बैलेंस डेबिट साइड में होगा, और ट्रायल बैलेंस अगर इससे बनेगी तो डेबिट क्रेडिट हमारा मैच करेगा, एक इलस्ट्रेशन लेकर भी हमने ये समझा था। एंड सिंस जनरल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, किसी भी बुक से आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, एक टैलिड बैलेंस ट्रायल बैलेंस मिलेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। अभी अबाउट सेक्शनल बैलेंसिंग, सेल्फ बैलेंसिंग एक बहुत राइट, दोनों डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको बता देता हूं। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में भी ध्यान दो, हम जनरल लेजर बनाते हैं, डेटर्स लेजर बनाते हैं, क्रेडिटर्स लेजर बनाते हैं। जनरल लेजर विल कंटेन ऑल अकाउंट्स अदर देन इंडिविजुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यहां पे टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर का भी अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पे क्या होगा ना, इफ ट्रायल बैलेंस इज मेड, इट विल हैव सेम डेबिट एंड क्रेडिट टोटल। सर सेल्फ बैलेंसिंग में भी यही होता था, एब्सोल्यूटली यही होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर लेजर में हम क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल अकाउंट ऑल डेटर्स, और सर जीएलए, जीएलए नहीं बनाना है। मतलब अगर यहां से अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली एज इट हैज बैलेंसेस ऑफ डेटर्स ओनली। वहां पे टैली हो जाता था बिकॉज एक जीएलए बना लेते थे और इक्वल ऑपोजिट क्रेडिट क्रिएट कर लेते, यहां पे ये टैली नहीं होगा। क्रेडिटर लेजर में इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट बनेंगे। सर जनरल लेजर यहां पे बनेगा क्या, नहीं, यहां पे जनरल लेजर नहीं बनेगा। तो अगेन अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली एज इट has balances of creditors only, right? तो ये credit side रहेगा, debit side tally नहीं करेगा। Clear है ये बात? तो what is the principal difference between sectional balancing? यहां पे एक section से मेरे को tally trial balance मिलेगी, बाकी दो section से मेरे को tally trial balance नहीं मिलेगी। General ledger से TB बना लो, आपका debit credit match हो जाएगा, but debtor creditor book से अगर आप balances extract करके trial balance बनाओगे तो वो आपका tally नहीं करेगा। That is why we call it as a sectional balancing system। तो इसके जो key differences है ना, आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे टैबुलेट भी कर दिए हैं, सो दैट आप उसको देखकर समझ पाओ कि बेसिकली क्या डिफरेंस है अंडर बोथ दिस सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है बहुत ही इजी है, मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, टोटल डेटर बनाओ या टोटल क्रेडिटर बनाओ, वो तो वहां पे भी हम लोग बना रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर, और डेटर क्रेडिटर बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ बैलेंसिंग सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, तो देखो यहां पे सेपरेट कैन बी ऑफ द जनरल लेजर एंड क्रेडिटर लेजर, सेपरेट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम जनरल लेजर। यहां से एक टैली ट्रायल बैलेंस मिलेगी, पर डेटर और क्रेडिटर लेजर से एक टैली ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगी। फिर सेल्फ बैलेंसिंग में अंडर दिस सिस्टम ऑल जो
जनरल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, एसेट बैलेंसिंग. अंडर दिस ओनली जनरल लेजर बैलेंसिंग, बट डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर इज नॉट सेल्फ बैलेंसिंग, राइट. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एंड द सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम. तो बाय दिस हमने कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया और साथ ही साथ हमने यहां पे दोनों सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है वो समझा और किस तरह से अकाउंट्स हमें बनाने हैं, क्या जर्नल एंट्रीज हमें करनी है वो हमने समझा. अभी बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दो काम करेंगे. एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के घर जाके या इफ यू डूइंग इट ऑन द वीडियो मोड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक बार प्लीज रिवाइज कर ले, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट हमें यहां पे काम आएंगे. एंट्रीज हमने की है बट और भी अगर थोड़ी एफिशिएंसी रहेगी, थोड़ा अगर ब्रशअप हो गया होगा तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मैं कराऊंगा अभी, राइट. बट आप लोग भी अगर अपने एंड से एफर्ट करोगे बहुत अच्छा रहेगा. सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली अपनी कॉपी है तो अपने आप ही बनाओगे, डेलीगेट किसको करोगे. ये चार अकाउंट्स बनाओगे. जनरल लेजर में एडजस्टमेंट जो कि डेटर का कॉन्ट्रा ऑपोजिट अकाउंट, लेजर यू द क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट विच इज सेम एज द क्रेडिटर्स अकाउंट. साथ ही साथ आप बनाओगे यहां पे क्रेडिटर्स लेजर में जनरल लेजर विच इज द कॉन्ट्रा अकाउंट. ये एक बार हाथ से अपनी कॉपी में अगर आप बना लोगे, चाहे इसका रेफरेंस लेकर ही बनाओ, बट एक बार अगर आप इसको बना लेते हो आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी ना सम की, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मतलब ये टॉपिक सेल्फ बैलेंसिंग के साथ बोनस में आ गया, राइट. सेल्फ बैलेंसिंग के साथ बोनस में आ गया. एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके इसको मूव करेंगे. ठीक है, बोलते हैं मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू मिस्टर वाई. ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को लेकर हम इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इन्वॉल्व करके आपको अकाउंटिंग करके बताएंगे. तो यहां पे दो पार्ट में पेज को डिवाइड कर लो. इन दी बिल्स ऑफ मिस्टर एक्स इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर वाई. देखो एक्सपेक्टेशन तो है कि यार आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए, बट ये टॉपिक भी थोड़ा अटपटा सा बहुत लोगों को लगता है, बिकॉज एंट्रीज इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, राइट. सो इट इज बेटर कि मैं एक बार आपको इसको रन थ्रू करा दूं, इस चैप्टर में भी हेल्प मिल जाएगी और थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे. सो देखो जब भी सेल हुआ ना तो एक्स सेल रिकॉर्ड करेगा, तो वो यहां पे लिखेगा वाई विच इज माई डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वाई अपने बुक में परचेज रिकॉर्ड करेगा. यार प्लीज जल्दी जल्दी करना, बहुत बेसिक चीज है, वे गोइंग ओवर एंड अबव. और यहां पे 2x क्रेडिटर है एक्स, यहां पे 10,000. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा ना. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर आते हैं, राइट. अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर आते हैं. सो यहां पे एक्स विल ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई एंड वाई विल एक्सेप्ट द बिल. ठीक है, तो मिस्टर एक्स ड्रॉज ए बीआर ऑन वाई. एक्स अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, ही विल से बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट विच इज माई डेटर. ये तो बहुत सिंपल एंट्रीज है यार. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप घबराते कब हो? जब डिसऑनर ऑफ बिल आता है, एंडोर्समेंट आता है, एंडोर्स करके डिसऑनर हो जाता है एक्सेट्रा, उन सिनेरियो में थोड़ी आपकी पिक गिरती है. तो उनको डील करने के लिए अभी तो पृष्ठभूमि बनाई जा रही है. यहाँ पे ये एंट्री क्या करेगा, ये एक्स को डेबिट करेगा अपने क्रेडिटर को टू बिल्स पेएबल. अभी देखो ये बिल के ट्रांजैक्शन के बाद तीन चीजें हो सकती है, ठीक है, तीन ऑप्शंस हो सकते हैं. क्या क्या ऑप्शंस है ये? एक, बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल इज डिस्काउंटेड बाय मिस्टर एक्स, बिल इज एंडोर्स्ड बाय मिस्टर एक्स, एक्स ने ये बिल को एंडोर्स कर. तीन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग होगी. अगर बिल मैच्योरिटी तक रखते हैं, अगेन दिस इज एक्स का बुक, दिस इज वाई का बुक, हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड, मतलब पैसे मिल गए, तो एक्स अपने बुक में बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देगा, 10,000 रुपए उसके पॉकेट में आ गए. और वाई पेमेंट कर रहे तो वाई टू बैंक करेगा और बिल्स को डेबिट कर देगा. इजी है ना? दूसरी बात हो सकती है कि ये जो बिल है डिसऑनर हो गया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड. तो अगर डिसऑनर होगा तो देखो एंट्री क्या होगी, वाई को वापस डेटर बना लेगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा. तो डेटर टू बीआर. और ये क्या एंट्री करेगा, ये बिल्स पेएबल को तो डेबिट करेगा बिकॉज वो वैल्यूलेस हो गया, डिसऑनर हो गया, टू एक्स वापस एक्स को क्रेडिटर बना लेगा. ठीक है, आर यू क्लियर अबाउट दिस? फिर सेकेंड सिनेरियो हमारा है, बिल इज डिस्काउंटेड. तो अगर बिल डिस्काउंट करा रहा है तो समझो बैंक से डिस्काउंट कराया, 9,800 में डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए 200, टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा 10,000. इसको कुछ भी यहां पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है. फिर इसके बाद इफ बिल इज ऑनर्ड, तो एक्स को तो पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट. ये बिल किसके पास है? बैंक के पास, बिकॉज बैंक के साथ डिस्काउंट कराया गया है. मैच्योरिटी डेट के दिन बैंक जाएगा वाई के पास और उससे पैसे कलेक्ट कर लेगा, तो इसको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये पेमेंट करेगा. तो बिल्स पेएबल टू बैंक ये एंट्री कर देगा, 10,000 रुपया बैंक को दे देगा. इफ डिसऑनर्ड, अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, बैंक तो फटाफट एक्स के अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, राइट. और एक्स किससे ये पैसे मांगेगा? वाई से. तो एंट्री क्या बन जाएगी यहां पे? यहां पे एंट्री बनेगी, वाई को वापस डेबिट करना पड़ेगा और टू बैंक एंट्री होगी, बिकॉज हमारे बैंक में जो पैसे आए थे
वो पैसे हमारे बैंक से निकल जाएंगे और पूरा बिल वैल्यू निकलेगा। ये क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल को तो डेबिट करेगा 10,000 और एक्स जो के क्रेडिटर है इसका उसको क्रेडिट करेगा एब्सोल्यूटली। फिर फाइनल सिनेरियो, इफ बिल इज एंडोर्स, तो अगर एक्स इस बिल को एंडोर्स कर रहा है राइट, तो वो एंडोर्स किसको करेगा, अपने क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को वो डेबिट करेगा टू बिल्स रिसीवेबल। इसको कोई मतलब नहीं है मैच्योरिटी डेट पे इसका नहीं आएगा। इफ ऑनर्ड, तो बिल अभी एक्स के पास है ही नहीं, वाई किसको पैसे देगा, एक्स के क्रेडिटर को, क्रेडिटर जाएगा मांगने के लिए, तो यहां पे कोई एंट्री करनी नहीं है। ये एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेएबल टू बैंक। ये मैं क्यों करा रहा हूं, बिकॉज यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड आएगी, एक बार आपने अगर ब्रश अप कर लिया है इट विल बी गुड। इफ डिसऑनर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बिल डिसऑनर होता है तो आप एक्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक्स को बिल वाई से मिला और एक्स ने ये बिल समझ लो जेड को दे दिया जो कि उसका क्रेडिटर है। अभी ये बिल डिसऑनर हो गया ना, तो एक्स को क्या करना है, वाई से पैसे लेने हैं और उसके क्रेडिटर जो जेड है उसको पैसे देने हैं। तो यहां पर एंडोर्स बिल जब डिसऑनर होता है, डेटर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं विच इज इन दिस केस इज वाई टू क्रेडिटर, बिकॉज क्रेडिटर को पैसे मिले नहीं, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। वाई की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्स पेएबल टू एक्स ही एंट्री करेगा। बहुत बार नोटिंग चार्जेस सम में आते हैं, नोटिंग चार्जेस के रिलेशन में ये याद रखना है कि नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, जिसके पास बिल है ना, जिसको पैसे मिलने हैं वो नोटिंग चार्जेस का पेमेंट करता है। बट नोटिंग चार्जेस जो है वो खर्चा किसका है, जिसका बिल्स पेएबल है ना, जिसकी पे करने की जिम्मेदारी है, वो उसको एज एन एक्सपेंस अपने बुक में रिकॉर्ड करता है। तो ये हमारा समेशन था इन रिलेशन टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बोनस में आपको मिला। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्रैक्टिकल सम में जाने से पहले जितना भी पोर्शन हमने अभी तक कवर अप किया है उसको एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लो। सम जिसके बड़े इजी होते हैं करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार रिकैप किया हुआ है इट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज।